हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं आगरा का रेड फोर्ट देखने और आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी में। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है तो हम जा रहे हैं, यहाँ पास में ही टिकट काउंटर है जहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो देखिए ये टिकट काउंटर है और ये रहा इसका फर्स्ट व्यू। तो ये आगरे का किला है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। तो बस हम इसी में अंदर जाने वाले हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसा है। ये कैमरा शायद उल्टा हो गया। यहाँ ये टूरिस्ट गाइड है, कुछ फॉरेनर्स हैं जो अपने लिए गाइड ले रहे हैं। हमने भी गाइड लिया था क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में जब आप घूमने जाते हैं तो जब गाइड होता है तभी आपको वो छोटी छोटी चीज़ें जो समझ में आती हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं। ये हमने यहाँ पिक खींची हुई है, ये फ्रंट है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। और एक काफ़ी सुंदर बना हुआ महल है, इसमें अलग अलग सेक्शन हैं। ये पत्थर का बाथटब है जो उसके बर्थ पर, सलीम के बर्थ पर भेजा गया था, जो पूरा सोने से कवर था पहले। ये है जोधाबाई का महल, तो इसमें ऊपर जोधाबाई रहती थी और नीचे सारे जो गेस्ट आते थे वो रहते थे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर नक्काशियाँ की गई है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये शंकर जी की डंडी है जो हमें गाइड बता रहा है यहाँ से जोधाबाई सूर को आ देती थी। ये सूरज गेट है, ये जगह है ना खाना किसी एनिमल अकबर का है। बॉर्डर को देख लो, पैराइट, बतख, कबूतर, मयूर बने हुए। मयूर जयपुर का राजा है, पैराइट रक्षाबंधन को राजा मानसिंह बुलाने के लिए, बतख नरम को घूमेगी दिगम के पास। तो ये वो जगह है जहाँ पर अनारकली ने सलीम को पैगाम भेजा था जो उसके सैनिकों को मिल गया था, और सलीम तक वो पैगाम नहीं पहुँचा था। अब हम जा रहे हैं आगे, तो ये महल का अगला हिस्सा है। यहाँ पर उस टाइम पे कूलर पंखे कुछ नहीं होते थे, तो वो दीवारों को ठंडा करने के लिए, ये सभी दीवारें जो आप देख रहे हैं सारी खोखली हैं, इनके अंदर पानी चलता था जिससे ये महल काफ़ी ठंडा रहता था। तो ये उस समय की उनकी होशियारी कह लो, कारीगरी कह लो। यहाँ पर जो आप रोशनदान देख रहे हैं इसमें भी उजाला आ रहा है और बाहर से एकदम बंद है। ये काफ़ी अच्छा, एकदम मैजिकल है और इसको हमने दो तीन बार आगे पीछे होकर देखा। ये आप देख रहे हैं, ये है शाहजहाँ का जहाँ पर उनको नज़रबंद किया गया था, और ये साथ में उनकी जो दो बेटियाँ थी उनके महल हैं जिनको पालकी महल बोला जाता है। दोनों बेटियों का दो महल है, एक इस साइड है एक इसके दूसरी तरफ है। ये है शाहजहाँ की जेल जहाँ उन्हें बंद करके रखा गया था, और इस पर कितनी खूबसूरत है, तो आप इसका ज़रूर आकर यहाँ पर देखिए। और ये है शीश महल जो इस पर अब अंदर एंट्री बंद है, इसमें पानी आता रहता है। और ये है जो अकबर की दूसरी वाइफ थी, रुकैया बेगम का स्नान गृह, तो इसमें ऊपर से पानी चलता है और ये शावर की तरह था पुराने ज़माने का, तो ऊपर से पानी चलता था और खड़े होकर इसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। ये रूम है, इसमें आप पीछे छोटे छोटे सेक्शन देख रहे हैं। यह दीवाने आम जहाँ आम जनता का दरबार लगता था, इसमें खूबसूरत सा गार्डन है। तो इसके साथ ही हमारा रेड फोर्ट का ट्रिप ख़त्म होता है। तो बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए